हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर प्रियांशु। तो गाइस, आज हमारे पास अवेलेबल हो गया है फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट, एंड दोनों ही कार हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो दोनों का ही डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोनों ही वेरिएंट आपके सामने खड़े हैं, वो है डेल्टा वेरिएंट एंड ये है डेल्टा प्लस वेरिएंट। दोनों को ही कंपेयर करूं एक्सटीरियर डिजाइन को लेकर, तो एक्सटीरियर में भी काफी कुछ चेंजेस है। यहाँ पर सबसे पहले अगर प्राइस डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट हमें 10,20,000 के आसपास मिल जाएगा ऑन रोड प्राइस, बाकी डेल्टा वाला वेरिएंट हमें 9.50 लाख के ऑन रोड प्राइस पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। डिफरेंसेस के मामले में डेल्टा वेरिएंट के अंदर हमें कंप्लीट हैलोजन का सेटअप मिलता है, एलईडी डीआरएस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एंड प्रोजेक्टर में हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कंप्लीटली हैलोजन में है, एंड नीचे की साइड स्किट प्लेट दी गई है, बाकी इंडिकेटर की प्लेसिंग भी ऊपर ही है बट हैलोजन में है, एंड ओवरऑल कार के फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के ही दिए जाने वाले हैं, क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, एंड डीआरएल का सेटअप भी हमें हैलोजन में ही मिलता है। वहीं बात करूं डेल्टा प्लस वेरिएंट के फ्रंट लुक के बारे में, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं, एंड डीआरएल यहाँ पर एलईडी में दी गई है, उसी के अंदर हमें इंडिकेटर की प्लेसिंग मिल जाएगी जो की कम्प्लीट एलईडी में ही दी गई है, बाकी फ्रंट ग्रिल सेम है, एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ पर नहीं मिलता है, वो फीचर्स आपको अपर मॉडल में मिलेंगे, एंड नीचे की साइड यहाँ पर भी स्पोर्टियर स्किट प्लेट दी गई है जो कि कंप्लीट सिल्वर कलर में है। बाकी फ्रंट लुक में एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पर सुजुकी के लोगो के नीचे 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा आता है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस कार का फ्रंट लुक ज्यादा अच्छा लगा, एंड बात करते हैं अभी कारों के साइड लुक के बारे में, तो यहाँ पर हमें R16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं जो कंप्लीट ब्लैक कलर में दिए गए हैं, एंड यहाँ पर हमें स्टील रिम मिल जाते हैं जो कि हमें R16 में मिलते हैं, यहाँ पर व्हील कैप दिया गया है, अलॉय व्हील का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एंड जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस है उस हिसाब से डेल्टा वेरिएंट के अंदर उतने फीचर नहीं है, बट डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट के अंदर फीचर काफी सारे हैं। बाकी इंडिकेटर की प्लेसिंग हमें ORVM पर मिलती है, एंड नीचे की साइड हमें क्लैडिंग एंड बॉडी मोल्डिंग मिल जाती है, एंड ये क्लैडिंग्स काफी बड़ी है। बाकी अगर मैं कार के लैंप्स को ओपन करके दिखा दूं एक बार, तो कंप्लीट हैलोजन का सेटअप मिलता है, यहाँ पर हैलोजन प्रोजेक्टर में दिया गया है, एंड डेल्टा प्लस में हमें कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है, ऊपर DRLs एंड नीचे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प जिनकी लाइट की थ्रो भी काफी बढ़िया है, एंड बहुत ही थोड़ा सा ही प्राइस डिफरेंस है दोनों ही कार्स के बीच में, एंड फिर भी काफी सारे फीचर मिसिंग है इस डेल्टा मॉडल में डेल्टा प्लस के मुकाबले। यहाँ पर अलॉय व्हील भी नहीं मिलते हैं, एंड एलईडी हेडलाइट एंड डीआरएल का सेटअप भी नहीं मिलता है, सो आई डोंट थिंक कि ये मॉडल इतना कुछ खास दिखने वाला है, इससे बेटर इसका ऑप्शन है डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट का। बात करूं कार के रियर लुक के बारे में, तो यहाँ पर हमें केवल अपर मॉडल में ही कनेक्टेड टेल लैंप मिलेंगे, बस ये पर ब्रेकिंग लाइट्स हमें डीआरएल में दी गई हैं, एंड नीचे की साइड हमें 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं डेल्टा वेरिएंट में ही, एंड ऊपर की साइड हमें शार्प व्यू एंटीना मिल जाता है, एंड रूफ रेल्स मिल जाती हैं, और सनरूफ का ऑप्शन तो किसी भी मॉडल में यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, अब चाहे वो टॉप मॉडल हो चाहे बेस मॉडल हो, एंड यहाँ पर बी पिलर हमें ब्लैक आउट मिलता है, एंड रेयर की साइड ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप के ही आने वाले हैं। बाकी बात करूं डेल्टा प्लस वाले वेरिएंट के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाले हैं इसके रेयर लुक, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें मिसिंग है, दोनों ही सेम है वैसे तो, यहाँ पर वाइपर मिसिंग है, एंड बीच की साइड जो टेल लैंप है वो नॉन फंक्शनिंग में है कंप्लीट, कनेक्टेड टेल लैंप सिर्फ आपको अपर मॉडल में ही मिलेंगे। बाकी गाइस नीचे की साइड हमें बम्पर मिल जाता है काफी स्पोर्टियर सा, एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 4 यहाँ पर, बाकी गाइस कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बात करूं कार के बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर पार्शियल ट्रे मिल जाती है, एंड कोई भी लैंप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इंटीरियर की साइड आप देख सकते हैं, एंड पावर सॉकेट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है बस। नंबर्स की बात करूं तो 308 लीटर का बूट स्पेस है, बाकी वाइपर भी कोई से मॉडल में अवेलेबल नहीं है, अपर मॉडल में अवेलेबल है ऑफकोर्स, एंड ऊपर की साइड शार्पिन एंटीना एंड रूफ रेल वगैरह सब कुछ है, बाकी रेयर लुक कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। अभी बात करेंगे कार के इंटीरियर के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं अगर आपको दोनों ही कारों का कंप्लीट पर्टिकुलर रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ डिफरेंसेस बता रहा हूं और एक्स्ट्रा फीचर्स बता रहा हूं। यहां पर डोर हैंडल सिंपल है, इंटीरियर की साइड सॉफ्ट टचिंग में दिया गया है, यहां पर डोर हैंडल जो है एक्सेसरीज का पार्ट है क्रोम बैजिंग वाले, ये फैब्रिक कुशनिंग है, बाकी ऑल 4 विंडो के कंट्रोल्स यहां पर है, यहां पर लॉक अनलॉक एंड ORVM को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो फोल्डिंग मिरर के ऑप्शन के साथ मिल जाता है, यहां पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर नहीं है, की लगाकर काम चलाना होगा। बाकी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो यहाँ पर हमें हाफ डिजिटल में देखने को मिल जाता है, बाकी एनालॉग में हमें स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर मिल जाता है, एंड बीच वाली MID के अंदर हमें सभी इनफ इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है जैसे कि माइलेज एंड रेंज एंड फ्यूल गेज जैसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। बाकी गाइस स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करूं तो यहाँ पर हमें स्टीयरिंग के माउंटेड सभी कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर कॉल कट एंड रिसीव के बटन मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के ऑप्शन, बाकी क्रूज कंट्रोल के बटन नहीं मिलते हैं, मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी बात करूं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में, तो सेम ही है बलिनो के जैसी, यहाँ पर आपको सभी टाइप के कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड एंड एप्पल कार प्ले जैसी काफी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स कार के अंदर हमें देखने
को मिल जाते हैं। एंड ये स्क्रीन हमें 7 इंचेस में मिलती है, कंप्लीटली टच स्क्रीन। कार के अंदर हमें 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है, बाकी यहाँ पर एसी वेंट एंड यहाँ पर एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि बलिनो के जैसे ही है सेम। एंड सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर हमें इस मॉडल से ही ऑटोमेटिक में क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो काफी बढ़िया है। एंड एसी कंट्रोल के बटन भी बहुत ही अच्छे लगते हैं इस कार के अंदर। एंड यहाँ पर हमें सिंपल सा गियर लीवर मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन का। एंड यहाँ पर आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, बस सिंपल सा छोटा स्पेस है। एंड आगे की साइड ट्विन का फोल्डर मिल जाता है एंड चार्जिंग सॉकेट यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में भी हमें डिसेंट इनफ स्पेस मिल जाता है, कोई लैंप नहीं है। बाकी डैशबोर्ड लेआउट आप देख सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश लुक दिया गया है इसका इंटीरियर लेआउट का। बाकी IRVM भी हमें मैनुअल में दिया गया, ऑटोमेटिक में नहीं है। एंड यहाँ के फ्रंट शेड में भी हमें कोई भी मिरर और लैंप यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये ट्विन लैंप मिल जाते हैं। बाकी पैसेंजर साइड हमें मिरर मिल जाता है जो कि ड्राइवर साइड सिंपल है। एंड यहाँ पर ये डोर हैंडल एंड पीछे की साइड ये लैंप दिया गया है। बाकी रियर साइड कंफर्ट के बारे में बात करूं तो डोर सिंपल सा है एंड अंदर की साइड की सीट अपॉस्ट्रोफी हमें फैब्रिक में देखने को मिलती है, री हेडरेस्ट देखने को मिल जाती है। एंड कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पर आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है। बाकी 360-40 स्प्लिट के साथ सीट मिल जाती है। एंड रियर एसी वेंट भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अपर मॉडल में अवेलेबल है। ये पावर सॉकेट है 12 वोल्ट का, बाकी कुछ सामान रखने का स्पेस है बस। एंड बात करूं भी डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पर हमें की सेटअप बिल्कुल सेम ही मिलता है, सिंपल सा, जैसे कि डेल्टा प्लस में मिलता है। एंड ओवरऑल फीचर भी लगभग काफी ज्यादा सेम ही है, MID की स्क्रीन भी ओवरऑल सेम ही है। एंड स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी हमें डी शेप में मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप बेस मॉडल से ही मिलता है। बाकी एसी वेंट की प्लेसिंग एंड उसके नीचे कार्बन फाइबर फिनिशिंग एंड डैशबोर्ड लेआउट काफी बढ़िया लगता है। एंड सीट अपॉस्ट्रोफी यहाँ पर लेदरेट दी गई है, वैसे ये एक्सेसरीज का पार्ट है। बाकी ये गियर लीवर हो गया आपका एंड यहाँ पर ट्विन कप होल्डर एंड थोड़ा सा स्पेस। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं एंड ऑटोमेटिक में ही मिलता है यहाँ पर भी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एंड यूएसबी कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। एंड इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज भी हमें 7 इंचेस में ही देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें सभी टाइप के कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। बाकी ऊपर की साइड IRVM मैनुअल में दिया गया है कंप्लीट। एंड यहाँ पर फ्रंट शेड मिल जाता है जिसके ऊपर मिरर नहीं है, एंड यहाँ पर भी हमें मिरर मिल जाता है फ्रंट शेड के ऊपर। एंड यहाँ पर ट्विन लैंप मिल जाते हैं एंड ऊपर की साइड ये माइक की प्लेसिंग भी यही है एंड हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पर। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड नीचे की साइड कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, बस प्लेसिंग है थोड़ी सी। बाकी इंटीरियर लेआउट कुछ इस टाइप का रहने वाला है। अभी बात करता हूँ इस कार के रियर कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पर भी ये फैब्रिक में सॉफ्ट टचिंग मटेरियल दिया गया है। एंड अभी इसके अंदर बैठ के कंफर्ट चेक करते हैं तो 60-40 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ ये सीट मिल जाती है। ऊपर साइड ये लैंप दिया गया है एंड यहाँ पर रियर ऐसे वेंट वगैरह नहीं है, बस ये पावर सॉकेट यहाँ पर भी मिल जाता है, प्लेसिंग मिल जाती है, कुछ फोन वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर अपना। बाकी आगे वाली सीट मेरे हिसाब से सेट थी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर नी रूम एंड हेड रूम काफी अच्छा खासा बच रहा है। हैंडल्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है तीनों। बाकी गाइस ये लेदरेट सीट अपॉस्ट्रोफी भले सी एक्सेसरीज का पार्ट है लेकिन काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। सो गाइस इंटीरियर से देखा जाए तो ओवरऑल गाड़ियां सेम है, फर्क सिर्फ एक्सटीरियर की साइड है इस कार के, और एक्सटीरियर में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। और जिस हिसाब से इसके प्राइस में फर्क है, आप सिर्फ 50-60 हजार रुपए और देके आप इसका डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट ले सकते हैं जो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। वेल, इन दोनों के प्राइसिंग देखने के बाद इतना तो कंफर्म है कि ये कार बलिनो के बजट में आ जाती है एंड कहीं ना कहीं बलिनो से भी इसकी रोड प्रेजेंस ज्यादा रहने वाली है क्योंकि SUV टाइप का डिजाइन है इस कार का एंड डायमेंशन में भी बड़ी है। सो अकॉर्डिंगली ये कार आपके लिए बेस्ट रहेगी, इन दोनों में से कोई सा मॉडल आप ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज है तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप इस कार के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आपके पास एक ब्रेजा एंड नेक्सॉन का ऑप्शन भी बचता है। बट लुक के प्रेफरेंस के हिसाब से बताऊं तो ये कार काफी अच्छी है, आप इस कार के ऊपर भी जा सकते हैं। अभी गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लगी। एंड ऐसी गाइस इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।